तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नाम के YouTube चैनल पे। और आज हम आपके लेके आ गए एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, और उसका जो हम थर्ड पार्ट पढ़ा रहे हैं, यानी अगर आप पहला इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द पेनिनसुलर प्लेटियो। तो जो पहला टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेटियो का, देखिए पेनिनसुलर प्लेटियो को हिंदी में क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटियो को हिंदी में कहते हैं पठार, यानी प्लेटियो। प्लेटियो को हिंदी में पठार कहते हैं। तो पठार क्या होता है, पठार जो होता है वह पर्वत से थोड़ा सा ऐसे भू आकृति जो कि पहाड़ से छोटी हो और जिसके जिसका आकार कुछ टेबल लैंड यानी टेबल की तरह हो, यानी उसके दोनों तरफ स्लोपिंग हो और ऊपर समतल यानी ऊपर आपका समतल हो, उसी को आप टेबल आपको आप उसे पेनिनसुलर प्लेटियो कहते हैं। तो उसी को प्लेट्यू कहते हैं। अब ये मैंने बताया कि टेबल लैंड होता है, यानी टेबल लैंड, टेबल की इसकी जो आकृति रहती है वह टेबल की तरह लगती है। कंपोज्ड बाय ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी ये किससे बना है, ओल्ड क्रिस्टलाइन से बना है, इग्नीशियस से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। तो रॉक कितने प्रकार के होते हैं, रॉक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका हो जाता है इग्नीशियस रॉक, आपका पहला इग्नीशियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब इग्नीशियस और सेडिमेंट्री रॉक मतलब तो ये सब जब बनते हैं तो इस पे जब प्रेशर यानी जब इस पे दबाव पड़ता है और टेम्परेचर यानी तापमान जब इस पे बढ़ता घटता है तो यह हजारों लाखों साल के बाद यह मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। और इन्हीं मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनता है, पेनिनसुलर प्लेटियो बनता है। तो अब ये भी जान लीजिए कि जो इग्नीशियस रॉक होता है वो किससे बनता है। इग्नीशियस रॉक बनता है वोल्केनो का जो मैग्मा रहता है, जब मैग्मा बाहर निकलता है वो कैसे, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो आपका वो लावा में चेंज हो जाता है। तो जब लावा के जमावड़ों से जो चट्टानें बनती हैं उन्हीं को हम इग्नीशियस और सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं, सॉरी इग्नीशियस रॉक कहते हैं। अब देखिए ये कैसे, ये जो हमारा अब ये कैसे बना है ये भी देख लीजिए कि ये कैसे बना है। ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेटियो है ये तो आपका बना है कुछ ऐसे इग्नीशियस और इससे रॉक से, और कुछ कैसे और भी कैसे बना है, ड्रिफ्टिंग एंड क्या टूटना यानी ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि जब गोंडवाना लैंड अपने जगह से खिसका या फिर टूटा। मैंने आपको बताया था ना कि गोंडवाना लैंड सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड है, इसे ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये इसमें है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब पहले एक ही में था लेकिन बाद में कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज हुई जिसके द्वारा ये अलग हो गया। तो ये कैसे बना है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ, यानी ब्रेकिंग यानी टूटना और ड्रिफ्टिंग मतलब खिसकना, ड्रिफ्टिंग एंड ऑफ गोंडवाना लैंड मतलब कि ये गोंडवाना लैंड के टूटने और खिसकने से बना है। अब देखिए हमारा अगला पैट है ये कि नोन एज डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र गुजरात एक्सेट्रा, मतलब कि ये क्या, ये इसको और क्या कहा जाता है, इसका एक और नेम है डेक्कन प्लेट्यू, इसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है। और एक कौन कौन से राज्य होते हैं, महाराष्ट्र गुजरात और जो पार्ट इसके महाराष्ट्र के ऊपर नीचे गुजरात की तरफ ये इस वो भी इसमें आते हैं। अब देखिए ये वॉल्केनो, यहाँ पे मैंने बोला था ना कि वॉल्केनो, तो यहाँ पे माना जाता है कि पहले बहुत सारे वॉल्केनो थे और वॉल्केनो जब इरप्ट हुए तो उसमें से जब लावा निकला उसी के जमावड़े से यह बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि वो ट्रायंगुलर लैंडमास है। देखिए ट्रायंगुलर लैंडमास है एंड लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि ये त्रिभुज आकृति का है और यह नर्मदा के दक्षिणी ओर पाया जाता है, यानी नर्मदा के जो दक्षिणी तरफ का भूभाग है वही नर्मदा के जो दक्षिणी तरफ का भूभाग है वही आपका पेनिनसुलर प्लेटियो है। तो ये भी हमारा हो गया कि नर्मदा के साउथ में पाया जाता है और ये त्रिभुज आकृति का होता है। अब देखिए वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज, यानी कि इसका जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो वेस्टर्न एज को जो इसका वेस्टर्न घाट होता है वो वेस्टर्न एज को प्रदर्शित करता है और जो इसका ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न एज को प्रदर्शित करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।